Welcome to Code Mania. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर किसे कहते हैं, पैलिंड्रोम एक्चुअली कहते हैं किसे है? तो देखते हैं एग्जांपल। कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी स्ट्रिंग हो, नंबर जैसे 1, 2, 3, 2, 1, ये नंबर को अगर हम रिवर्स करके देखते हैं, हैंड से प्रिंट करते हैं, तो भी ये नंबर सेम रहेगा। तो कोई भी नंबर जिसको हम रिवर्स करने पे भी अगर वो चेंज नहीं हो, उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। सेम स्ट्रिंग के साथ भी होता है, अगर एक स्ट्रिंग या मैडम, इसको हम रिवर्स करके प्रिंट किया तो ये सेम रह गया। बट अगर हमने लेट्स सपोज ये था हमारा स्ट्रिंग, तो ये रिवर्स करने पे ये चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो ये हमारा एग्जांपल था। तो हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, तो एल्गोरिथम देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग लिया और यह नंबर लिया, अगर नंबर है तो हम उसे स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे और हम उसे स्ट्रिंग मेथड से करने वाला है। तो जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे लेंथ चेक कर लेना। तो लेंथ हो गया हमारा 5, ठीक है। अब हमें एक लूप चलाना है जो कि आई इक्वल्स टू 0 से लेंथ बाई 2 तक जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि वो जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट है वो मैच अगर नहीं करता है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। कैसे, जैसे कि ये देखते हैं, ये जो है यहाँ पे, यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या है, एम है, बट लास्ट एलिमेंट है वो हमारा E है, तो ये मैच नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे देख लेंगे, अगर वो पहले ही कंडीशन मैच नहीं करता है तो मतलब हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बट अगर हमारा वो मैच कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट तक चेक करेंगे, और अगर सारा अगर मैच कर रहा है तो हम लोग सीधे रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिक। तो चलिए अब कोड करते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स मैच करते हैं तो हमें रिटर्न ट्रू कर देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, नंबर लेते हैं 2, 3, 2, 1, देखते हैं क्या आंसर आता है। ट्रू आ रहा है, नंबर चेंज करके देखते हैं 1, 2, 3, ये जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, फॉल्स आ रहा है। स्ट्रिंग के साथ भी चेक कर लेते हैं, ट्रू आ रहा है, और हम इसे चेंज करते हैं तो ये फॉल्स हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, ट्रू आ रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इनकेस आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Thanks for watching. Please like and subscribe.